हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं श्रेयांश और मेरे साथ है रोहित राज, जैसे कि आप जानते ही होंगे। और आज हम बात करेंगे जीएल बजाज वर्सेस एनआईईटी, मोस्ट डिमांडेड वीडियो रहा है ये। और वोटिंग के बाद जैसा रोहित बता रहा था मुझे, जैसे कि मैंने यूट्यूब पे वोटिंग के लिए डाला था कंपैरिजन वीडियो कि कौन कौन दो कॉलेजेस का कंपेयर वीडियो चाहिए आपको, तो जीएल बजाज वर्सेस एनआईईटी का सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट वोट आए थे, तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो है ये, और किसमें एडमिशन लेना चाहिए, एनआईटी कौन सा बेस्ट है कॉलेज, एनआईटी या जीएल बजाज, सारी चीज हम करने वाले हैं। किसमें और क्यों लेना चाहिए, मेन आपका एडवांटेज क्या होगा एज अ स्टूडेंट जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए एस्पेक्ट्स क्या है एक कॉलेज के बारे में, तो उन सारी चीजों को कवर करेंगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेड हूँ रोहित, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब लोगों के डिमांड पे मैंने ये वीडियो फाइनली निकाल दिया भाई, बहुत मेहनत के बाद छत पे शूट कर रहे हैं भाई, बढ़िया लोकेशन आ रहा था। तो यार गाइस, लो और सारी चीजें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, आप सभी के लिए हम ये काम करते हैं, तो अपना प्यार बरसाओ। इसी के साथ शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। मैं, जैसा कि मेरे साथ रोहित है, ये एनआईटी में खुद पढ़ता है और इसके पास भरपूर एक्सपीरियंस होगा जहां तक मुझे पता है, क्योंकि जब आप एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज के अंदर 4 साल देते हो तो पता चल जाता है कि उस कॉलेज के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा रहा है, और एक असेसमेंट काइंड ऑफ ये अपना दे सकता है। रोहित बताओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था एनआईटी के अंदर? अभी तो फाइनल ईयर चल रहा है, प्लेसमेंट भी चल रहा है, तो ओवरऑल अभी तक का क्या रहा है जर्नी अपना बताओ। तो जर्नी से पहले मैं एक लाइन में कवर कर देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है रोहित राज और मैं आईटी ब्रांच से हूँ, और फिलहाल मैं 4th ईयर में हूँ और हमारी प्लेसमेंट की सीजन चल रही है और एंट्रेनिंग वगैरह सारी चल रही है। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है अब तक का 4th ईयर का, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बेटर एक्सपीरियंस है मेरा एनआईटी कॉलेज में। लेकिन बेटर इसलिए कह रहा हूँ, बेस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर जब मैं एडमिशन लिया था 2020 में, तो वो कोरोना का टाइम था, तो हमारा फर्स्ट ईयर पूरे साल हमारा ऐसे वेस्ट हो गया। तो मैं कहूंगा कि जितने भी कॉलेज स्टूडेंट थे जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है, उन सबके साथ ये डिसएडवांटेज रहा है कि उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर एंजॉय नहीं किया। वो थोड़ा सा मुझे ऐसे लैक ऑफ फन लगता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में थोड़े से बच्चे ज्यादा मजे करते हैं, तो वो टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैं उस चीज को थोड़ा सा रिग्रेट करता हूँ। तो ऑल ओवर बाकी अच्छा एक्सपीरियंस है, और बाकी एट द एंड मैं 4th ईयर में आ गया हूँ, तो प्लेसमेंट और ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहा हूँ और एक अच्छा प्लेसमेंट ले जाने की कोशिश करूंगा ऑन कैंपस प्लेसमेंट। बाकी ये है, बढ़िया रहा हमारा, और क्या, बाकी 2 साल ही जिया कॉलेज लाइफ, तो इसमें थोड़े बहुत स्पोर्ट्स किया, 4th ईयर में आ गया, तो भाई ये सारा। तो मैं आपको जीएल बजाज के बारे में बता देता हूँ। वैसे मैं गलगोटिया का बच्चा हूँ, लेकिन इन जनरल मेरे को जीएल बजाज के बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि काफी मेरे दोस्त वहां पढ़ते हैं और रेगुलर उनसे इंटरेक्शन के बेसिस में मेरे को समझ में आता है कि जीएल बजाज का बेसिक कल्चर और उनके बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, कैसा है। तो जब हम जीएल बजाज के बारे में सोचते हैं ना, वो थोड़ा सीरियस कॉलेज लगता है कंपैरेटिव, ठीक है। जीएल बजाज के अंदर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर उतना फ्रीडम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने काफी दोस्तों को देखा है, हम ट्रिप प्लान करते थे, उनसे पूछते थे, तो वो लोग जनरली मना कर देते थे क्योंकि उनको लगता था कि टीचर्स विचर्स वो थोड़ा इम्फेसाइज करते थे कि थोड़ा सीरियस एटीट्यूड रखो अपना, ठीक है। तो एंजॉयमेंट लेवल जीएल बजाज में कंपैरेटिव कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फैकल्टी वाइज आपको भरपूर सपोर्ट मिलता है, और ओवरऑल जो उनका प्रेमिसेस है, ठीक है, उसके अंदर काफी सारे आपको फन एरियाज मिलेंगे, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको क्लब्स में इंटरेस्ट है, तो इन सब के अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ के साथ वहाँ काफी सारे डिफरेंट स्पेसिफिक डोमेन्स के हिसाब से आपको एक अथॉरिटी मिल जाएगी जहां से आप अपना प्रॉपर कंसल्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल ये सारी चीजें तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये तो एक ओवरव्यू था। तो पहले ये बताइए कि ये जीएल बजाज और जो भी मेरे कॉलेजेस का या नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस क्या है इसका? तो मैं जीएल बजाज बताता हूँ। जीएल बजाज में पर्टिकुलरली आपका इनिशियली तो पहले AKTU का जो एग्जाम होता था, UPSEE, उसके बेसिस पे होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने UPSEE को खत्म कर दिया है और सारे जो एडमिशन है वो JEE के बेसिस पे होते हैं। और दूसरा, कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन ये कह सकते हो कि आपके 12th के बेसिस पे हो सकता है, जो कि डायरेक्ट एडमिशन पर्टिकुलरली, लेकिन उसका सीन ये है कि आपको टाइम से पहले आना पड़ेगा। अगर आप ये ट्राई करोगे कि आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर ये मिल जाए, तो उसमें थोड़ा इशू हो जाएगा क्योंकि फिर सीट्स भर जाती हैं, तो इम्पॉसिबल, क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो मेरे ख्याल सेम ही एनआईटी का भी है, क्योंकि एनआईटी के बारे में डिस्कस करो, स्टार्टिंग का था UPSEE, तो लेकिन वो हट गया है, उससे तो लोग आते नहीं है। अब एक JEE मेंस के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू आते हैं एनआईटी कॉलेज, जिनको मिलती है ना।
दूसरा है डायरेक्ट एडमिशन जो कि 12th के बेसिस पे आते हैं। मेरा एडमिशन डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू हुआ था, डायरेक्ट 12th में। अगर 12th में आपके अबव 80% 85% है तो CSIT ब्रांच आराम से मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दो मेजर प्रोसेस है एडमिशन लेने के लिए। अच्छा अच्छा रोहित, मैंने ये सुना है कि NIIT अपने आप को ऑटोनोमस कहता है, तो उसके ऑटोनोमस कहने के अंदर क्या है? वैसे तो AKTU का ही कॉलेज है, लेकिन वो अपने आप को एज ऑटोनोमस क्यों दिखाता है? अगर हम ऑटोनोमस को डिफाइन करें कि ऑटोनोमस होता क्या है, तो जैसे कि कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ जो डिसीजन है वो कॉलेज खुद लेता है। अगर मेजर डिसीजन की बात करूं, इंडिपेंडेंट है कुछ, थोड़ा सा कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है। अगर मैं इस चीज की बात करूं, एग्जांपल कुछ जैसे, हाँ जैसे कि एक एग्जांपल बात करूं कि जैसे कि हमारा सेमेस्टर का जो पेपर होता है वो बाकी सारे कॉलेजेस में AKTU के हिसाब से, तो जो AKTU कॉलेज है, AKTU यूनिवर्सिटी है सॉरी, वो जो डिक्लेयर करता है डेट, तो उसी में से सारे कॉलेजेस फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा NIIT कॉलेज जो है वो अपने हिसाब से करता है, वो अपना सर्टेन एंड तक लेवरेज लेता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। NIIT का जो प्रॉपर जो ऑटोनोमस कॉलेज है, तो उसमें जो एग्जाम होते हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे होता है, तो AKTU के हिसाब से नहीं मैनेज हो जाता है। हाँ, और जैसे कि पेपर वेपर की बात हो तो कॉलेज में ही बनता है। सेमेस्टर के पेपर AKTU के तरफ से भी वेरीफाई होके आती है। जैसे कि मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में जैसे कॉलेज वाले क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन वो वेरीफाई होने के लिए पहले AKTU जाता है, वहाँ से भी वो पहले वेरीफाई करते हैं, तो फिर डन होता है सेमेस्टर का पेपर हमारा, इस प्रोसेस से बनता है। मतलब ये है कि दोनों का मिक्स रूलिंग है जिसके बेसिस पे चलता है, लेकिन कुछ हद तक इनके पास सेल्फ इंडिपेंडेंस है टू टेक सम डिसीजंस आई गेस, है ना। बाकी मैं अगर एक चीज बता दूं कि जैसे कि बच्चे बोलते हैं ऑटोनोमस है, तो हमारे जो सर्टिफिकेशन होंगे 4th ईयर का लास्ट में, वो कैसे मिलेगा? जब हमारा बेटे कम्प्लीट होगा तो भाई ऊपर APJ अब्दुल कलाम ही आएगा लिखकर, डरने वाली कोई बात है नहीं, तो वो उसी से वेरीफाइड है, अपना AKTU यूनिवर्सिटी से ही तुम पढ़े हो, वहीं से मिलेगा तुम्हें डिग्री। तो ओवरऑल यही कहना है कि खाली एक सर्टेन एक्सटेंट तक उनके पास इंडिपेंडेंस है टू टेक सम डिसीजंस, ठीक है। फाइनली ये कि डिग्री आपको AKTU ही मिल रहा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि NIIT ऑटोनोमस है तो उनको डिग्री कहीं अलग से तो नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा कॉलेज का, अगर हम डायरेक्ट जंप करें, क्योंकि एडमिशन ले लिया बच्चा तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोर करेगा, है ना। तो उसका GL बजाज का बताइए कि क्या सीन है। अगर आप देखो GL बजाज के अंदर ये है कि वो पुल जो बना हुआ है वो 5-6 acres में बना हुआ है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन किया है वो बहुत अच्छा किया है। अभी उन्होंने एक नया एरिया लिया है गाइस, ठीक है, वो और एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आप मान लो उनके पास 25-26 acres का एरिया है जिसमें उन्होंने पूरा पूरा अपना कैंपस डिजाइन चल रहा है उनका। कुछ एक जो बन रखा है वो एग्जिस्टिंग काफी अच्छा है, आपको फैसिलिटीज सारी मिलती हैं, ऐसा कुछ भी कमी नहीं है कि हाँ ये वो सीन है। स्पोर्ट्स में सारी चीजें क्या क्या रखना है, हाँ इंक्लूड है सारी चीजें, बच्चे प्रॉपर आपके पास ग्राउंड है जिसके अंदर आप क्रिकेट हॉकी जो आपको जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पसंद है वो खेल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉलीबॉल के लिए कोर्ट है, बास्केटबॉल वॉलीबॉल इन सब का कोर्ट इंडिपेंडेंट है, वहीं पे बैडमिंटन का भी एरिया है, साथ में आपको इंडोर गेम्स के लिए कैरम वैरम इन सब के लिए भी परमिशन है, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहाँ पे जिम भी, ठीक है। तो अगर आपको जिमिंग करने का मन करता है, क्योंकि करना भी चाहिए, मैं तो सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो आपको एक अपनी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको फैसिलिटीज मिलती है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं प्रॉपर लाइब्रेरीज और साथ साथ क्लासरूम की बात करूं, तो क्लासरूम काफी हाईटेक है, जो आज के डेट में काफी कॉलेजेस अगर देखोगे तो उनके कंपैरिजन में अच्छे हैं। साथ के साथ जितना भी क्लासरूम है वो मार्कर बेस्ड है, कोई ब्लैक बोर्ड बेस्ड नहीं है, ठीक है, कोई सोचे कि चौक से अभी भी लिखवाया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब मार्कर बेस्ड है, कुछ प्रोजेक्टर बेस्ड है। वैसे दोनों बोर्ड होता है हमारे पास, प्रोजेक्टर से व्हाइट बोर्ड से भी काम कर लेते हैं, और ये चौक वाला भी होता है, तो है दोनों है, जिसकी जब जरूरत पड़ी वैसे यूज करते हैं टीचर्स। भाई तो कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मेरे को रेटिंग देना हो 10 out of 8 रेटिंग में दे दूंगा जिल बजाज को, और अभी और इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो क्या पता आगे और बढ़ जाए, ठीक है। अगर आप NIIT का बता दो, वैसे तो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है ना, अगर मैं जेल बजाज NIIT करूँ तो NIIT का भी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो इनके स्पोर्ट्स की सारी चीजें हैं, सारी फैसिलिटीज है, तो वो एक प्रॉपर स्पेसिफिक सारे सब हर चीज के लिए ग्राउंड बना रखा है। ये भी ज्यादा एकड़ में नहीं फैला, 10 around 1 acre होगा, 10 से कम ही होगा, तो उतने में इन्होंने सारे स्पोर्ट्स की सारी चीजें फैसिलिटी दे रखी है, जैसे बैडमिंटन वाला कोर्ट हो और वॉलीबॉल का कोर्ट हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, इंडोर गेम में सारी चीजें जितने भी सारी चीजें हैं इनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी
कि अगर मैं रेटिंग करना चाहूँ 10 out of 10 तो 10 out of 10 मैं 7 देना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मेंटेनेंस लो है NIT का। तो भी ऑनेस्ट बात करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, थोड़ा सा भाई हमारा काम है कि रियल फैक्ट्स बताना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी रिव्यू वीडियो बना रखा है NIT का, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, प्रॉपर है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज से मैं लो फील करता हूँ, मेरे कॉलेज में मेंटेनेंस थोड़ा सा कम है, खेलने के लिए प्रॉपर वो स्पेस नहीं मिल पाता, स्पेस बेसिकली वहाँ पे लैक ऑफ स्पेस फील होगा आपको। एक पोर्शन होता है एंटरटेनमेंट का, ठीक है, हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटीज काफी ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज करवाती हैं एंड रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस भी ले लो साथ के साथ, तो काफी सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज ये सब करवाती हैं ताकि बच्चों के अंदर ना एक एंथुजियाज्म बन जाए। इवन फ्रेशर्स के लिए वो फ्रेशर्स पार्टी करवाई जाती है, खास करके काफी सारा कुछ कला महोत्सव कुछ ना कुछ होते रहता है, फेस्ट वेस्ट होते रहते हैं। तो NIT कहाँ स्टैंड करता है इन सब मामलों में, जरा इसके बारे में अवगत करवाए लोगों को। भाई अगर ये बहुत तगड़ा बहुत हॉट टॉपिक पे आ गए हम लोग कि NIT में क्या फेस्ट होता है, हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने नहीं होता है। मैं 4 साल से जान रहा हूँ NIT में फेस्ट नहीं हुआ है आज तक, मतलब आज तक पहले हुआ होगा लेकिन इन 4 सालों में एक भी फेस्ट नहीं हुआ है। हमने एज अ फ्रेशर्स एंट्री ली लेकिन हमारे लिए कोई भी कुछ भी फेस्ट नहीं कराया गया है। भाई इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे बच्चे, जैसे मैं हुआ, बहुत सारे हजारों बच्चे हुए हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं करवाया आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। लेकिन और भी कॉलेजेज ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर छोटा है तो नहीं करवा सकते, GL वजह इवन GL वजह को देखो, जो भी नॉट यार जब मैं एडमिशन लिया तो अगले साल सेकंड ईयर मैं भी अभी वहीं आने वाला था, तो मैं कि GL बजाज के अंदर अभी रिसेंटली मान लो लास्ट ईयर की बात है, जब जुबिन नौटियाल प्रॉपर एक बड़ा परफॉर्मेंस हुआ था उनका, और साथ के साथ 2-3 दिन का प्रॉपर फेस्ट होता है जिसके अंदर गेमिंग होता है आपके लिए, पर्टिकुलरली काफी सारे गेम्स होते हैं, प्लस आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, आपको डांस है आपको सिंगिंग है, जो जो आपका टैलेंट है वो प्रॉपर फेस्ट के अंदर आप दिखा सकते हो, और अपना एक इनिशियल एक मोटिव होता है ना बच्चों का कि अपना नाम करना है कॉलेज के अंदर। फर्स्ट ईयर में आकर के आप ऐसे डल नहीं पढ़ना चाहते कि हाँ नॉर्मल कॉलेज लाइफ खत्म हो गई और आपने कुछ किया भी नहीं कॉलेज में थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। नहीं भाई अगर मैं एडमिशन करवाने आया हूँ, कोई बच्चे बिहार से आते हैं, कोई MP से आते हैं, UP से, सारे जगह से लोग आते हैं, तो उनको एक लगना चाहिए कि भाई मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया ना कि स्कूलों में, है ना। एग्जैक्टली वो फंडामेंटल चीज है जो आपको कॉलेज और स्कूल को यूनिक बनाती है, ठीक है, तो वो एक पोर्शन रहना चाहिए जहां जैसे रोहित बता रहा है NIT उसमें लाक कर रहा है। तो अगर मैं एक पॉइंट बना 10 out of 10 रेटिंग देना हो GL बजाज को, तो GL बजाज को मैं 8-7 दे दूंगा, लेकिन अगर मैं NIT को रेटिंग करना चाहूँ फेस्ट वगैरह में DJ नाइट और सारी एंटरटेनमेंट बेसिकली एंटरटेनमेंट के अंदर ही आता है, तो इसको मैं 10 out of 3.5 देना चाहूंगा। सॉरी अगर बढ़ाना चाहो तो, अगर किसी को बुरा लगे तो भाई मैं कुछ नहीं। चलो जैसे कि मैं गलगोटिया में हूँ मैं बता देता हूँ, चुप रहे बाबा तू चुप रहे, तो अपना बता देता हूँ थोड़ा सा गलगोटिया का, ठीक है, 10 out of 10 भाई मैं नहीं मानता, लिटरली भाई सैल्यूट है भाई गलगोटिया वालों को। अगर देखोगे ना हर महीने कोई ना कोई आ रहा होता है हर महीने, ठीक है, सीरीज से लेके वेब सीरीज का शूटिंग सारा, अभी सारा क्या है नाम, सारा अली खान का प्रॉपर मूवी शूट हमारे कॉलेज में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जितने भी तुम्हारे प्रमोशंस के लिए आते हैं अक्षय कुमार से लेकर के रणबीर कपूर से लेकर के जिसका नाम लो यूट्यूबर से लेकर के सब के सब गलगोटिया यूनिवर्सिटी और कॉलेज आते हैं, पार्ट ऑफ दिस हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ मेरे को था फ्लेक्स करने का मौका मिला तो मैंने किया, गलगोटियास बीइंग गलगोटियास गाइस, बच्चों को थोड़ा सा हर्ट कर जाएगा, कोई बात नहीं, ऑल ओवर हम थोड़ी सी तारीफ भी करेंगे, तारीफ नहीं बेसिकली हम सच्चाई बताएंगे, अच्छाई और सच्चाई बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अभी ना क्वेश्चन यही है कि आप प्लेसमेंट के साथ आते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट एक फैक्टर होता है एडमिशन लेने के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लेसमेंट पे आते हैं फिर देखते हैं कि और क्या प्रोस्पेक्ट बचते हैं, ठीक है, तो आपके हिसाब से अभी प्लेसमेंट का क्या सिचुएशन चल रहा है, जैसा कि रिसेशन है आप सबको पता है कि 2024 में जितने भी पास आउट बच्चे हो रहे हैं उन सबके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है रिसेशन का, ग्लोबल रिसेशन चल रहा है अभी थोड़ा सा, तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस होती है कंपनी, तो अभी सिचुएशन ये चल रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एक्सेंचर TCS ये सब उतनी लेवल पे हायरिंग नहीं कर रही हैं और बल्कि ले ऑफ ज्यादा हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू फ्रेशर इनटेक, ठीक है, तो आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर, आपके कॉलेज का क्या स्टैंड है, फिर मैं GL बजाज पे भी आता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो
आदरणीय डायरेक्टर सर है जो हमारे रमन बत्रा ठीक है, उन्होंने हमें बोला कि आप लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब 100% तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जो बच्चे एवरेज हैं, एवरेज से ऊपर, एवरेज से बिलो एवरेज में, तो उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अभी तो हम इसी उम्मीद में है कि अच्छी कंपनी आएगी और हमें ले जाएगी, और बाकी अभी थोड़ा सा डल चल रहा है मामला, है ना, तो डल है गाइस। ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं आ रही, कंपनीज आ रही है लेकिन कम बच्चों को ले जा रही है, बहुत माइनर। जैसे कि हमारे ITCSE अगर ले लो कि 200 बच्चे हैं या 300 बच्चे हैं ठीक है IT में, तो उनमें से वो 3-4 बच्चों को ले जा रहे हैं, तो बाकी 200 ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे हैं लेकिन उनका नहीं हो रहा है, उनका अलग क्राइटेरिया भाई, वो 2 बच्चे को ले जाना है तो वो 2 बच्चे को ही ले जाएंगे, तो थोड़ा सा उनमें दिक्कत हो रही है, तो बाकी आगे देखते हैं अभी क्या सीन है। अगर किस्मत वही है गाइस, इवन GL बजाज के अंदर मैं बताऊं तो प्लेसमेंट हो रहे हैं यहाँ पे इन कंपैरिजन तो NIT में कहूँगा थोड़े अच्छे हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि NIT में अब तक 80+ कंपनी आ चुकी है। हाँ, तो इन कंपैरिजन टू NIT इतना बुरा हाल नहीं है GL बजाज का, लेकिन जो सिचुएशन है वो ऑलराउंड सबके लिए कॉमन है। ये ईयर थोड़ा डिफिकल्ट है पर प्लेसमेंट अभी तक जितना GL बजाज मैंने सुना है अपने दोस्तों से इनके थ्रू, तो पता चला है कि ठीक चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कंपनीज आने वाली हैं, जैसे कि IBM चल रहा है कि हाँ ये आएंगी, प्लस थोड़ा विप्रो का भी सीन चल रहा है, एक्सेंचर आ चुकी है, उन्होंने बच्चे अच्छे उठाए हैं स्पेशली GL बजाज से, बाकी कॉल से कम उठाए हैं, GL बजाज सुनने में आया कि ज्यादा बच्चे उठाए हैं उन्होंने, लगभग 60-70 बच्चे GL बजाज से उठाए हैं। और प्लेसमेंट ओवरऑल अगर मैं GL बजाज का इस साल का छोड़ के बताऊं तो रहता बहुत अच्छा है, इनका हाईएस्ट पैकेज 46 लाख गया था लास्ट ईयर का आई गेस, और एवरेज पैकेज इनका 7-8 के आसपास रहता है, 6-8 मान लो तुम ठीक है, और लोएस्ट का बात नहीं करते हैं, लोएस्ट क्योंकि बच्चे को डिपेंड करता है सब कुछ, और एवरेज के अंदर आप लाई कर सकते हो थोड़ी सी मेहनत से ठीक है। अगर मैं अपनी कॉलेज की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया कि देखो भाई कंपनी तो आ रही है ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि बच्चे पे डिपेंड करती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस साल बच्चे पे डिपेंड करती है, इस साल प्रॉपर जो सारी कॉलेज कंपनीज की जो एनवायरनमेंट है, क्या सिचुएशन चल रही है उस पे डिपेंड करती है। अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर का बता दो, हाँ लास्ट ईयर का ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 80-90% प्लेसमेंट हुई थी बच्चों की, अच्छी हुई थी, जो बच्चे थोड़े से बिलो एवरेज थे उनके भी प्लेसमेंट हुई, अब तक हो गई थी, मतलब 7th सेम में एंटर करते करते बच्चों की प्लेसमेंट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन। हाईएस्ट कितना गया पैकेज हाईएस्ट लास्ट ईयर के वैसे 44 लाख था, आप सब जो एडमिशन ले रहे हो वो अभी ले रहे हो ठीक है, आप सबका 4 साल का डिग्री है तो आपके लिए एडवांटेज है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली आपको अपने को साथ के साथ वेब 3.0 के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा, स्पेशली CSE बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वेब 3.0 एक काफी डिमांडिंग सेक्टर है जिसके अंदर आपका IoT साथ के साथ साइबर सिक्योरिटी साथ के साथ आपका जितने भी नए नए टेक्नोलॉजीज हैं ठीक है, इन सब पे आप काम करो साथ ही साथ इनका पूरा अपस्किल करो अपने आप को, बहुत रिक्वायरमेंट्स है, डेटा साइंटिस्ट की भरपूर रिक्वायरमेंट्स एज अ फ्रेशर अब आना स्टार्ट हो चुकी है ठीक है, इनिशियली डेटा साइंटिस्ट फ्रेशर्स के लिए नहीं होता था फील्ड, अब काफी ज्यादा ओपन अप हो रहा है और एडवांटेजियस सेक्टर है वेब 3.0 का। अगर आपने फर्स्ट ईयर से अपग्रेड कर लिया इस चीज के ऊपर, फोकस करो कोडिंग के ऊपर लेकिन साथ के साथ अपस्किल करो वेब 3.0 के ऊपर, आपका प्लेसमेंट डन है इतना मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। अगर प्लेसमेंट वाइज आउट ऑफ 10 को रेटिंग देना पड़ेगा GL बजाज को तो कितना दोगे? देखो इस साल का मैं अब कुछ नहीं कहूंगा लेकिन लास्ट ईयर जितना अब तक देखा है मैंने, प्रोसेस देख रखा है GL बजाज का, तो GL बजाज का अगर मेरे को देना हो तो 10 out of 8.5 मैं रेट करूंगा ठीक है, कि प्लेसमेंट होते हैं GL बजाज में अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, मैंने खुद देखा है, लास्ट ईयर ऑफ कैंपस गया था लेकिन 1.3 CR का गया था इनका प्लेसमेंट ठीक है, तो बच्चों के अंदर दम था इसलिए गया था गाइस। और अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ NIT कॉलेज की तो 8-9 के बीच में दूंगा रेटिंग, दूंगा 9, 10 out of 8-9 दे दूंगा मैं, 8.2 जितना मान लो, लेकिन पिछले साल का ये अच्छा था हमारे लिए थोड़ा सा भी। यही है गाइस प्लेसमेंट के रिगार्डिंग ठीक है, अगर और भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में डाल देना यार, सब प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, अगर आपको और भी कुछ भी जानना हो तो बता देना हमें। सारे कॉलेजेस का रिव्यू कर रखा हूँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और NIT कॉलेज का, और GL बजाज का भी रिव्यू आ चुकी है, बस ये कंपेरिजन वीडियो है, तो अगला किस कॉलेज का कंपेयर वीडियो निकालना है भाई वो कमेंट करके डाल देना, तो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, बेसिकली हमारा प्लेसमेंट चल रहा है फिर भी हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, कि बहुत सारे कमेंट आते हैं बच्चों को, मुझे ये लगता है कि जहाँ मैं स्टक होता था एक टाइम पे, तो उस टाइम पे मुझे इस टाइप की वीडियो नहीं मिलती थी, लेकिन मैं आपके लिए सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलनी चाहिए आपको, है ना, तो उस हिसाब से यार मैं वीडियो निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए।
हेल्पफुल हो तो जरूर एक बार कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो निकालने के लिए, तो मैं रेडी हूँ हमेशा जैसे भी कमेंट करो। गाइस एंड करते हैं इसको, दैट्स इट फॉर टुडे। और कुछ भी हो, आपको जो डाउट हो हमें पिन करना, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ये मेंशन कर देगा। और भाई मैं सारी चीजें कहता हूँ, बच्चे आप प्लीज फोन नंबर मत मांगा करो। कुछ बच्चे फोन नंबर ले लिया मेरे, मतलब उन्हें प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, तो मैंने फोन नंबर दे दिया। अब वो रैंडमली, बुरा मत मानना अगर वीडियो देख रहे हो, तो भाई सुबह शाम दोपहर कभी भी कॉल कर देते हैं अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत है। इंस्टाग्राम पे कर दिया करो, मैसेज पिन कर दो, हम रिप्लाई जरूर करेंगे अपने एंड से 100%। आज मैं मिनिमम 10 से 11 कॉल इग्नोर किया हूँ, ठीक है? तो नंबर मत मांगा करो, डायरेक्ट ऐसे भी इंस्टाग्राम पे ऑडियो कॉल कर दिया करो टेक्स्ट करके कि मैं फ्री हूँ या क्या कर रहा हूँ। यार आखिर थोड़ा प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है, बिजी होते हैं हम भी, और वीडियो भी निकालना रहता है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा हिसाब खराब हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कर रहे हैं इसको, दैट्स इट फॉर टुडे। भाई सब्सक्राइब कर दो यार, व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है? आप लोग देखते हो, सपोर्ट और हमको जल्दी से जल्दी पहुंचाओ गाइस 1K। अभी हमारा सब्सक्राइबर होने वाला है। हम चाहते हैं कि हम एक बड़ी फैमिली बने, अपने दोस्तों को शेयर करो, रिश्तेदारों को शेयर करो, जिस जिसको एडमिशन लेना है उसको हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाओ। हम गवर्नमेंट कॉलेज पे भी आने का सोच रहे हैं, लेकिन आप का प्यार मिलेगा तो हम जरूर आएंगे, आपको प्रॉपर काउंसलिंग, जोशा काउंसलिंग के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो आपके ऊपर है, आप जितना प्यार दोगे उतना हम मेहनत करने के लिए आपके लिए तैयार हैं गाइस। देखो भाई हमें क्या है, हम तो रिसर्च करके वीडियो बना देंगे। और बेसिकली मैं इस फील्ड में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में 3-4 साल से हूँ, तो चीजें अपने को पता है और मैं एक अच्छा एडवाइस दे सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो एक कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस चीज़ों के लिए कि मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ, तो कोई बुरी बात तो है नहीं यार इसमें। बाकी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो, व्यूज बढ़िया आते हैं, सब्सक्राइब कर दिए करो, क्या करते हैं भाई। चलो गाइस।